रविवार छुट्टी का दिन होता है, लेकिन एक तहसीलदार पर यह छुट्टी का दिन भारी पड़ गया। प्रशासनिक महकमे में खलबली मच गई। बड़ौनी प्रवास पर पहुंचे गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने राजस्व संबंधी शिकायतों के मामले में मंच से ही तहसीलदार सुनील वर्मा के निलंबन की घोषणा कर डाली। तहसीलदार गृह मंत्री के लगातार बुलाने के बावजूद नहीं आ रहे थे, जिस कारण उनके खिलाफ यह एक्शन मिश्रा ने तुरंत ले डाला। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा बड़ौनी में पात्रता पर्ची वितरण कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। इसी दौरान वहां तहसील संबंधी समस्याओं सहित अन्य मामलों को लेकर करीब आधा सैकड़ा से ज्यादा ग्रामीणों ने उन्हें आवेदन सौंपकर अवगत कराया, जिसका मौके पर निराकरण करने के लिए उन्होंने मंच से माइक संभाला और तहसील से संबंधित अधिकारी कर्मचारियों को बुलाया। बावजूद इसके काफी देर तक जब मंच के पास तहसीलदार सुनील वर्मा नहीं पहुंचे, तो गृह मंत्री ने इस रवैये पर नाराजगी जताते हुए तहसीलदार सुनील वर्मा के निलंबन की घोषणा कर दी। समझा जाता है कि प्रोटोकॉल का पालन न करने के कारण तहसीलदार पर यह गाजगिरी है। वहीं गृह मंत्री की सख्ती को देखते हुए जिले के प्रशासनिक महकमे में सुस्ती दिखाने वाले अधिकारी भी अब सतर्क हो गए हैं। आज कितने लोगों की है? 59 लोगों की है और लगभग 25 और हमारे पास आवेदन आए। तहसीलदार तहसील से कौन है? यहाँ पे तहसील का कौन कर्मचारी है? यहाँ बुला या कौन है चार्ज में तहसीलदार? सुनील वर्मा। मैं उनको निलंबित करने की घोषणा करता हूँ। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।